नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं काल सर्प दोष कवच के बारे में। बहुत लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो कौन कौन से रुद्राक्ष को एक साथ पहनने के बाद इसका निवारण हो सकता है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने चाह रहे हैं। और ये आपको मिलेगा shivago.com या omja.com पर, बिल्कुल जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। तो देखिए, इस कवच में 8 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष। अभी 8 मुखी रुद्राक्ष के अधिष्ठाता देवता गणेश हैं और 70 रूढ़ ग्रह राहु ग्रह हैं। और बाय डिफॉल्ट भगवान शिव जी का तो है ही है। 9 मुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा को इंडिकेट करते हैं और जो 70 रूढ़ ग्रह केतु को माना जाता है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं ये भी हम आपको बता देंगे। और जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, ये तो भगवान महाविष्णु के आशीर्वाद से लोग पहनते हैं। नारायण भक्तों के लिए उत्कृष्ट है। व्यक्ति को अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिलती है और भक्ति और ध्यान में सहायक है। इस मनके के लिए कोई 70 रूढ़ ग्रह नहीं है और ये सभी नकारात्मक ग्रहों की ऊर्जा को शांत करता है, 10 मुखी रुद्राक्ष। तो भाई, 8 मुखी रुद्राक्ष के जो बेनिफिट हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही, 9 मुखी का भी बताएंगे ही और 10 मुखी का ही बताएंगे। देखिए, 8 मुखी धारण करने वाले को अपार सफलता मिलती है। ये आपको सक्रिय करता है और शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विघ्नों को दूर करने का गुण होता है। दूसरी तरफ जो 9 मुखी रुद्राक्ष, यह मस्तिष्क में स्थित सहस्त्र चक्र से संबंधित है, जो संसार के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है, बुरी शक्तियों को भी दूर रखता है हमसे। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी इस रुद्राक्ष को पहना जा सकता है। अगर आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ गई है तो फिर तो आपको ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। माँ दुर्गा की कृपा पाने और चिंताओं को दूर करने के लिए इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। साहस, ताकत, नाम और पैसा कमाने में 9 मुखी रुद्राक्ष मदद करता है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और किसी तरह की फोबिया से ग्रस्त लोगों को 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष देवी महादुर्गा का प्रकटीकरण है और उनके पहनने वाले को किसी भी चीज़ और हर चीज़ से बचाता है जो उसके लिए हानिकारक हो। अब जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष अपने पहनने वाले को सभी 9 ग्रह के पुरुष प्रभाव से बचाता है और उसे नाम, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि का उपहार देता है। अभी जब इन तीनों को मिलाकर जब ये कवच बनाया जाता है, तो जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है, तो जो इविल एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब आप एनर्जेटिक रहते हो, 8 मुखी रुद्राक्ष जैसे भी लॉर्ड गणेश को रिप्रेजेंट करता है, तो काल सर्प दोष कवच जो है, ये आपका जो काल सर्प दोष का जो इफेक्ट है उसे ये रिड्यूस करता है। ये समाप्त नहीं कर देगा कि चलो समाप्त हो गया, रिड्यूस कर देगा, जो हकीकत वाली बात है। जो भी व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित है, उनके लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, हमारी लाइफ में थोड़ा सा सेटबैक हो जाता है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं जब हम कोई काम करते हैं, तो इसे पहनने के बाद आप देखेंगे कि जो सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से सारे काम आपके बनते चले जाते हैं। जो भी ब्लॉकेज है, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो दूर होगा और आप अपने मकसद में कामयाब होते हैं। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। जब हमें सफलता में डिले होता है, कैरियर ग्रोथ हमारा रुक सा जाता है, कभी कभी संतान प्राप्ति में भी दिक्कत होता है, मैरिज में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की जो शुरुआत है उससे आपको निवारण मिल जाता है। जो इसे पहनता है, जब तीनों रुद्राक्ष आपके पास में है, तो आपके जीवन को एक सही दिशा मिलती है। कुंडली में पितृदोष होने पर तो 10 मुखी रुद्राक्ष भी काम करता है, तो एक तरह से देखा जाए तो आप पितृदोष का भी अब निवारण कर रहे हो,
क्योंकि भगवान विष्णु इस रुद्राक्ष को पहनने वाले पर अपना आशीर्वाद दिखाते हैं। बुरी नज़र से भी आपको दसमुखी रुद्राक्ष बता लेता है। सांप के डर जो है बहुत लोगों को सताते हैं, तो सांप का डर भी जो है वो आपका समाप्त होगा। और हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं वो तो है ही हैं। जो आप तीनों को साथ में धारण करते हैं तो धीरज, बहादुरी, साहस और अपने नाम और प्रसिद्धि के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपके दुख ऑटोमेटिक समाप्त होते चले जाते हैं और जो नेगेटिव प्रभाव हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं, वो दूर होंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने में ये अच्छा खासा मदद करता है। कुछ रहस्यमय प्रकार के भी रोग होते हैं, जैसे बुरे सपने देखना, फेफड़े, पैर, त्वचा वगैरह की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट देगा ही देगा। और ये रुद्राक्ष तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट है जो काल सब दोष से पीड़ित हैं, जिसे सर्प दोष कहते हैं। पंचम भाव में ग्रह राहु, तो सर्प दोष जो होता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं और आप इसे धारण कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।